आ रही बोते हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 11 बज रहे हैं और हमारी चाय चूय वगैरह सब कुछ हो गई है। आयरा के क्लास भी लग गई है, वो क्लास ज्वाइन कर रही हुई है, उससे वो अपनी क्लास लगा रही है। और कबीर अभी सो के उठा ही नहीं है, तो अब उसको उठाने लगे हैं। और आज कबीर को लगने वाला है इंजेक्शन। आज कबीर के इंजेक्शन लगने वाला है, वो भी 1.5 साल का। तो इसको लगवा के आते हैं आज। और ठंड बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैंने एक चीज़ नोट करी है, जब यहाँ ठंड हो ना, तो आप ना 2 महीने के लिए बॉम्बे चले जाओ। इतना अच्छा मौसम है ना वहाँ पे, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि ना उसमें गर्मी है तो ना ठंड है, और इतना प्यारा मौसम लगता है ना इन दिनों में, बहुत सेंटी है ना। तो यहाँ तो बहुत ठंड है, बगैर हीटर के आप सर्वाइव नहीं कर सकते, इतनी ठंड है। हम जैसे लोग ऐसे करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग जिनको नहीं, मतलब चलो फैसिलिटीज़ जिनके पास नहीं भी है, मतलब चलो हम परमात्मा ने इतनी काबिलियत दी है कि हाँ चलो सब कुछ है, बट वो लोग हैं जो मतलब कि रहते हैं सड़क पे रहते हैं, वो लोग कैसे सर्वाइव करते। बहुत ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ठंड है ना ऊपर, उनको कैसे सर्वाइव करते होंगे ना, उनके बच्चे भी होते हैं, बहुत मुश्किल है। तो चलो कोई बात नहीं, चलते हैं और कबीर को लगवा के आते हैं इंजेक्शन। तो गाइस जा रहे हैं आयरा कबीर को इंजेक्शन देने। आयरा अपनी क्लास लगा रही है और हम चलते हैं कबीर को इंजेक्शन लगवाने। बैठा दो ना, बैठा दो, बैठा दो। तो गाइस कबीर को इंजेक्शन लगवा दिया, अब जा रहे हैं हम कबीर की मेडिसिन लेने, जिसका गला खराब है ना उसकी मेडिसिन लेने। तो चलते हैं। तो गाइस अभी हो रहा है ट्यूशन का टाइम, आ रहा है कि बज रही है 3, तो आयरा को जाते हैं और ट्यूशन छोड़ के आते हैं। आज कितने दिनों के बाद जा रही है ट्यूशन, तो चलो गाइस छोड़ के आते हैं आयरा को और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो आयरा जा रही है ट्यूशन, घंटे मार कर। दो दो आ रहा है।
कितने दिनों के बाद जा रहे हैं ट्यूशन। माहौल देखो, धूप तो ना, धूप का तो नाम निशान ही नहीं है। कितने दिन हो गए धूप निकल ही नहीं रही है। अभी हम जा रहे हैं आयरा को ट्यूशन से लेने के लिए, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, देखो ऑलरेडी ठंड हो रही है। अभी इनको बीच में छुपा रखा है। एक्टिवा हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, काम है, तो इसलिए हमें मजबूरन एक्टिवा में जाना पड़ा, नहीं तो इस हालत में तो कभी एक्टिवा में नहीं जाते। तो गाइज, कबीर को इंजेक्शन लगा था, उसके बाद एक्चुअली कबीर को इंजेक्शन एक नहीं दो लगे थे, और जिस वजह से वो काफ़ी पेन में था, और प्लस एक तो कबीर की तबीयत भी ख़राब थी। ये तो बाद में जब हम मेडिसिन लेने गए तो डॉक्टर ने कहा कि उसको इंजेक्शन नहीं लगवाना था क्योंकि अभी उसको ठीक नहीं था, और आपने इंजेक्शन लगवा दिया क्योंकि इंजेक्शन जो लगते हैं ऐसे में फीवर होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए डॉक्टर ने मना किया था कि नहीं लगवाना था। बट चलो, कहता चलो कोई बात नहीं, और इट्स ओके कि अगर लग गया तो कोई नहीं। बट उसमें क्या हुआ कि जब हम लोग घर आए तो ऑब्वियसली पेन भी काफ़ी थी क्योंकि दोनों साइड पे, मतलब कि हम उसको जब गोदी उठाते थे ना तो उसकी थाई और उसका जो शोल्डर है वो ऐसे मतलब आ जाता आगे ना, कि मतलब कहीं पर हाथ लग जाता है, कहीं पर उसका पैर लग जाता है। और चलो, टचवुड की ये है, उसको कुछ रेडनेस नहीं हुई है, जैसे एक तो गिल्टी टाइप थोड़ा हार्डनेस हो जाता, वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, सॉरी नहीं हुई है कबीर को, नॉर्मल ही रहा है। और फीवर भी नहीं हुआ क्योंकि आते ही हमने जब इंजेक्शन लगवाया और आते ही हमने उसको फीवर की मेडिसिन दे दी थी ताकि उसको फीवर ना चढ़े, क्योंकि वो वैसे ही थोड़ा वीक था क्योंकि वो ठीक नहीं था, तो इसलिए हमने फीवर की मेडिसिन दे दी। तो टचवुड है कि फीवर उसको नहीं चढ़ा और दो इंजेक्शन लगे, पता नहीं क्यों। चलो, पर ये इस बात का मतलब कि टेंशन फ्री है, आपकी अब 1.5 साल का उसको लग गया, अब सीधा वो जब 5 साल का होगा फिर लगेगा उसको इंजेक्शन। इसके अलावा उसको बीच में बस सिर्फ मेडिसिन वगैरह शायद चलेंगी उसकी, शायद 6 महीने, हर 6 महीने के बाद ही उसको मेडिसिन दी जाती है वो, तो बस बाकी। और ठंड बहुत है ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और कल लोहड़ी है तो उसका व्लॉग बनाएंगे। एक्चुअली व्लॉग अभी शूट भी नहीं हो पा रहे क्योंकि घर में भी मैसी सा हुआ पड़ा, सारा काम फैला हुआ है, और इतना भी व्लॉगिंग भी नहीं हो पा रहा। और मेरे व्लॉग्स काफ़ी एडिट करने वाले थे तो वो भी ऐड किए, और अभी आने वाले व्लॉग्स भी एडिट होंगे। तो कल तो लोहड़ी है, तो सबको मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी लोहड़ी, और कल का व्लॉग भी आएगा, जल्दी आ जाएगा। और सब मेरे व्लॉग्स चल बहुत पीछे रहे हैं वो, इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली कि हम लोग गए हुए थे तो कई व्लॉग्स तो मेरे बहुत बड़े बड़े बने थे वहाँ पे, जिनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और कोशिश की है कि अच्छे से व्लॉगिंग करूँ, पर फिर भी कोई ना कोई कमी तो है ना। तो चलो, इस मतलब अगर कुछ करूँगी नहीं तो मुझे पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है, बट कोशिश पूरी करूँगी, छोड़ना तो नहीं है, मैंने कंटिन्यूसली करना तो है ये काम। तो चलो गाइस, करती हूँ मैं फटाफट से एडिटिंग, क्योंकि मैं अभी एडिटिंग कर रही थी, तो अब कर लेते हैं। और ये शैतान को देखो तो चलो गाइस, फटाफट करते हैं एडिटिंग, और इस वीडियो को मैं यहाँ करती हूँ। एंड आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।